नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विरार के विवा कॉलेज प्रांगण में आज 13 तारीख को मराठी जागतिक मराठी अकादमी और विवा कॉलेज द्वारा मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। 19वां ये मराठी साहित्य सम्मेलन है। इस मराठी साहित्य सम्मेलन में शामिल होने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज विरार पहुंचे। दोपहर के समय ठाणे से हेलीकॉप्टर के द्वारा मुख्यमंत्री जीवदानी हेलीपैड पर पहुंचे, वहां से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ दूसरे सभी तमाम मेहमानों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहां इस तरह के आयोजन को लेकर मराठी साहित्य अकादमी, जागतिक मराठी अकादमी को और विवा कॉलेज को शुभकामनाएं दी, वहीं साथ ही साथ महाराष्ट्र से निकले और कनाडा में पहुंचे, कनाडा में आमदार बने इस साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष को भी उन्होंने बधाइयां दी। अपने पूरे संबोधन में मुख्यमंत्री महोदय ने काफी कुछ कहा, उनका संबोधन काफी बड़ा है, लेकिन जाते जाते मुख्यमंत्री ने लास्ट के कुछ मिनटों में अपने विरोधियों पर तंज कसा। मुख्यमंत्री महोदय ने हाल में जो दो साल में जो घटनाक्रम घटा, शिवसेना अलग हुई, उसका तंज कसते हुए अपने विरोधियों को जवाब दिया। हम सभी जानते हैं कि अभी चंद दिनों पहले ही महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना घोषित किया, जिसके बाद से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में इस समय जोश व्याप्त है। उसके बाद में आज विरार पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विरोधियों और जो पहले अपने सहयोगी थे आज विरोधी, यानी कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को इशारों में तंज कसा। एक बार तो उन्होंने यहां तक कहा कि मेरी दाढ़ी में कईयों की नाड़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का उद्बोधन काफी बड़ा था, लेकिन हमने यहां चंद मिनटों का उनका भाषण लगाया है। सुनिए आप क्या कहना है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। यह दाढ़ी की गड़िया दुष्टों का
या दाढी मध्ये बऱ्या लोकांची नाडी आहे. महाराष्ट्र
त्यांना देखील एक कुतूहल आहे, कारण 1.5 वर्षापूर्वी मी तसंच मोठं काम करून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे सगळ्यांना माहीत आहे की बाबा त्याचा महाराष्ट्रामध्ये आणि नुसतं काम करून थांबलो नाही तर प्रकल्प पुढे निघला होता. आपल्याला जाणवत की बंद झालेला प्रकल्प त्याला चालना देण्याचं काम करतोय. आणि आपल्याला देखील मी सांगतो, खासदार इथे बसलेले आहेत, आमदार इथे बसलेले आहेत, तुमच्या या भागाला या सर्वसामान्य लोकांच्या विकासाला जेवढे पैसे लागते तिथे हा प्रकल्प घेतला जाणार नाही. शेवटी या राज्याचा सर्वांगी विकास ज्या राज्यामध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प जेवढे जास्त तेवढा त्याच्या त्या राज्याचा विकास खास. आणि म्हणून मला सांगायला अभिमान वाटतो की आपलं सरकार यायच्या पूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आपण 3 नंबर लागले होते. फुटाणे साहेब सरकार स्थापन झाल्यानंतर आपलं या वर्षभरामध्ये 1.5 वर्षामध्ये परदेशी गुंतवणुकीमध्ये आपलं राज्य पहिल्या नंबरला आलं. देशाच्या जीडीपीमध्ये आपल्या महाराष्ट्राचा मोठा वाटा. कालच सर्वात मला वाटतं आपल्या महाराष्ट्राला केंद्राचा स्वच्छता पुरस्कार आपल्याला प्राप्त झाला. राष्ट्रपतींच्या शुभहस्ते न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें. धन्यवाद. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.